जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ, अगर नीचे की तरफ चोट पड़ती है, नीचे वाले पेदे पर मतलब बॉटम पर, तो आप समझिए कि मार्केट डाउन की तरफ जाने वाली है, या ऊपर की तरफ पड़ती है तो रेजिस्टेंस की तरफ, अगर तो ऊपर की तरफ जाने वाली है। तो आप देखिए कि 100 और 20-30 पॉइंट के आसपास ऑल टाइम हाई पर अप जा करके, उसके बाद में अगर ग्लोबली कंडीशन सही है तो आपको भी पता है कि इंटरनल जो सर्कमटेंसेस हैं, नंबर वन तो प्रॉफिट बुकिंग जब हायर लेवल पर जाती है तो प्रॉफिट बुकिंग होती होती है। ये मैंने भी आप लोगों को एडवाइस किया था, जिन्होंने नहीं किया वो कर सकते हैं। दूसरा क्या है, दो वर्ल्ड लेवल के जितने भी सीनियर्स हैं, क्रूड ऑयल का प्राइस बिल्कुल एक्यूरेट है, अमेरिकन मार्केट ठीक ठाक है, यूरोपियन के आंकड़े अभी आने बाकी हैं, लेकिन वहां पर भी अभी ठंड का माहौल बीत गया है, वहां के मौसम अभी सुधर रहे हैं, तो ट्रेडिंग यहां वहां का बाकायदे स्टार्ट हो जाएगा। तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि सर्कमटेंसेस में रखनी है। इंडिया के अंदर दो चीज़ें रखनी है, अगर क्रूड ऑयल प्राइस स्थिर है, सबसे बड़ा इंपोर्ट हम किसका करते हैं, क्रूड ऑयल का करते हैं, आपको पता ही है, तो उसके तो चांसेस है नहीं कि इस टाइप के कोई सिनेरियोज आएंगे कि ज़्यादा अपना डिप होने का। बट हाँ, इंटरनल जो हालात हैं, जैसे अपना किसानों का आंदोलन हो गया, उसके बाद में आपका प्रोटेस्ट कई सारा चल रहा है, एंड इलेक्शन आपका पता ही है आपके सर पर है, एक दूसरे को सभी कीचड़ उछालेंगे, तो ऐसे समय पर हमने क्या करना है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए क्या करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, बट मार्केट टाइम करेक्शन आपका दे ही रही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो जैसे जैसे आपको थोड़ा थोड़ा डिप मिलता है, कल वाली काली सिनेरियो दी गई, देखिए माइनस सा है 352 पॉइंट सेंसेक्स में, ना के बराबर है, 90 पॉइंट आपका निफ्टी में, ना के बराबर है, 235 पॉइंट आपका बैंकिंग में, ना के बराबर है, आईटी में भी 447 पॉइंट, जो हालात है भी आईटी के, आईटी भी उतना स्टेबल नहीं हुई है, एक बार गिरावट के बाद में आगे की तरफ उतना नहीं भाग रही है, तो ये भी ओके ओके ही गिरावट है, एंड 28 पॉइंट केवल मात्र किसमें है, आपका स्मॉल कैप में। तो ये सारी सिंडोज आप देख ही रहे हैं, तो ज़्यादा कोई इतना बड़ा था नहीं कि आपको तुरंत वो कर दिया जाता, जैसे कोई ऐसा होगा तो मैं इमरजेंट कॉल आपको दे दूंगा, भैया कल जो भी हो, चाहे अप की ट्रेंड में जाए चाहे डाउन के ट्रेंड में जाए, कल आप अपना छोटा मोटा डालिएगा। हाँ, अगर आज के दिन में थोड़ा सा गिरावट होती है, 72,000 से नीचे आपका सेंसेक्स आ जाता है, एंड 22,000 से नीचे आपका अगर ये आ जाता है क्या, निफ्टी आ जाती है, तो आपने एक छोटा सा अमाउंट, वही 1,00,000 का अगर मान लिया लमसम है तो 5% खाली, 1,00,000 का लमसम आपको करना है तो 5% 5 फंड में 1,000 रुपया बस, उतना ही हमने करना है, बाकी SIP रूट को ही फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई भी दो राय नहीं है कि आप प्रॉफिट ना कमाएं। हाँ, लेकिन जो लमसम का मौका है वो इलेक्शन तक में हमने पार करना देना है, 50% इस हिसाब से करके चलना है, 50% उसको पार कर देना है, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में भी आपने 50% तक बचा करके रखना है। मैंने 1,00,000 का एग्जांपल दिया है, आपका चाहे 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, उसी रेशियो में आपने चलना है। अगर आपको सही समय पर सही प्रॉफिट करना है, और आपको जैसा बोला जाता है ना कि गेन कितना भी दे रहा हो फंड, उसको हम छोड़ देंगे अगर उसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन नहीं सही है। आप देखिएगा, एक न्यूज आपको और बता दूं, कोटक स्मॉल कैप, उसमें अभी लमसम बंद हो गया है, अभी उसमें लिमिट लगा दी गई है। क्यों लगा दी गई है, हालांकि किसी फंड का ये प्रमोशन नहीं है, लेकिन उसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन बहुत सही था, बेशक उसका रिटर्न औरों के मुकाबले कम था, लेकिन उसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन था। तो अगर इस टाइप के फंड होते हैं तो लोगों की निगाह जरूर, क्योंकि आज के टाइम पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को इस चीज़ों को अवेयर कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए कि हमने किस चीज़ को जाना है। मैंने किसी का नाम आज तक नहीं लिया, लेकिन जब उसने उस प्रोटेक्शन को लगाया है तो उसके बाद में फिर ये हुआ कि हाँ, उसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन एक्चुअली था, उसका है, और भी हैं ऐसे, SBI भी उसमें है, लेकिन अब मैं SBI को भी नहीं, ये तो अपना उसका हो गया, अपना बैंकिंग का हो गया। तो इस प्रकार के फंड आपने देखने हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं। क्यों, रिटर्न तो आप कभी भी कमा लोगे, लेकिन गिरावट के समय लॉन्ग टेन्योर का फंड कौन सा है, गिरावट के समय आपको वो कितना बचाएंगे, क्योंकि बड़ा पेन होता है भाई, जब गिरावट आती है ना बड़ा पेन होता है, खास करके जब प्रॉफिट डाउन होता है ना तो कुछ नहीं लगता, चल ठीक है यार कोई नहीं, नोशनल पैसा उसको माना जाता है ना, लेकिन जब आपका कॉर्पस डाउन होता है ना, सपोज करो 1,00,000 आपके पोर्टफोलियो में है, 5,000 उड़ गया, 10,000 उड़ गया, 15,000 उड़ गया, 20,000 उड़ गया, हालांकि जाता कहीं नहीं है, ये भी आप विश्वास करें, जाता कहीं नहीं है, मैं डरा नहीं रहा, लेकिन उस समय जो पेन होता है ना बड़ा चुभता है वो, ठीक है ना, क्योंकि हमें ग्रीनरी देखने की आदत है,
लाल कलर थोड़ा सा चुभता है, ठीक है ना। चलिए तो आज के ये हालात है, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी है। अच्छी लगी रिवाड़ जरूर करना, रिवाड़ आपको पता लग सकता।